नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार का रहने वाला प्लम्बर मिस्त्री रातों रात बना करोड़पति, अब कलेक्टर सर्टिफिकेट के लिए नहीं काटने पड़ेंगे एसपी ऑफिस के चक्कर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की दी बधाई। दशहरा के बाद से घरेलू विमानों में सभी सीटों पर होगी बुकिंग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की दी बधाई। दुर्गा पूजा और विजयादशमी के खास मौके पर बिहार वासियों को राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। इसको लेकर शुभकामना संदेश भी जारी किया गया है। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में यह त्यौहार आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भावना के साथ पूर्ण भक्ति भाव से हर्षोल्लास पूर्वक मनाने की अपील की है। साथ ही कहा कि लोगों को यह त्यौहार कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए मनाना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों से आह्वान किया कि वे दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाएं। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए नहीं काटने पड़ेंगे एसपी ऑफिस के चक्कर। आपको अगर चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो इसके लिए एसपी ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अब घर बैठे न सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं बल्कि उसकी डिजिटल कॉपी भी आवेदनकर्ता तक पहुंच जाएगी। इस व्यवस्था को 1 नवम्बर से राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इसके लिए गृह विभाग की तरफ से पिछले 2.5 महीने में ट्रायल किया गया जो कि सफल रहा। आपको बताते चले कि इस ऑनलाइन व्यवस्था की मॉनिटरिंग आईजी व डीआईजी रैंक के अफसरों के द्वारा की जाएगी। ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए एनआईसी की मदद से सर्विस प्लस पोर्टल बनाया गया है जिस पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बिहार लोक सेवा के अधिकार के तहत 14 दिनों में चरित्र प्रमाण पत्र की ऑनलाइन कॉपी भेज दी जाएगी। दशहरा के बाद से घरेलू विमानों में सभी सीटों पर होगी बुकिंग। पटना से दूसरे शहर जाने के लिए दशहरा के बाद से विमानों की सभी सीटों पर बुकिंग हो सकेगी। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण सीमित सीटों पर ही बुकिंग चालू थी, लेकिन पटना एयरपोर्ट निदेशक की तरफ से जानकारी दी गई है कि संक्रमण के कम होते ही पाबंदियों में कुछ ढील दी गई है जिसके तहत दशहरा के बाद 18 अक्टूबर से विमानन कंपनियां पहले की तरह ही सभी सीटों की बुकिंग कर सकेगी। साथ ही विमानन कंपनियां पहले की तरह ही विमानों में यात्रियों के लिए भोजन नाश्ता भी उपलब्ध करा सकती है। मंगलवार को जारी निर्देश के मुताबिक ये सभी छूटें 18 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। हालांकि अभी भी अलग अलग राज्यों में यात्रा से पहले यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। दुर्गा महाअष्टमी के मौके पर पटन देवी के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री। देशभर में आज दुर्गाष्टमी मनाया जा रहा है। मां दुर्गा 8वें स्वरूप महागौरी की इस पूजा के कई मायने हैं, इसलिए आज से दिन मां की भक्ति में लोग सराबोर हो जाते हैं। इस बीच आज सुबह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के अलग अलग शक्ति धामों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान वे सबसे पहले पटना के अगमकुआ स्थित माता शीतला के मंदिर पहुंचे, जिसके बाद वे छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी के दर्शन करने के लिए गए। इसके बाद वे पटना सिटी के मारूफगंज स्थित बड़ी देवी के दरबार भी पूजा करने के लिए पहुंचे और सब बेहतरी की कामना की। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट टीम का किया ऐलान। आने वाले 28 अक्टूबर को बीसीसीआई की तरफ से सीनियर महिला वनडे टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सीनियर विमेंस टीम की घोषणा कर दी है। इसके तहत बिहार टीम की कप्तान अपूर्वा कुमारी को बनाया गया है, जबकि अंशु अपूर्वा टीम की उपकप्तान बनी है। यह टीम 20 अक्टूबर को कोलकाता के लिए रवाना होगी। बता दें कि 28 अक्टूबर को बीसीसीआई द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में बिहार टीम को प्लेट ग्रुप में रखा गया है, जिसके सभी मैच कोलकाता में खेले जाएंगे। इस ग्रुप में बिहार के अलावे नागालैंड, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की टीमें शामिल हैं। टीम के रवाना होने के बाद 5 दिन क्वारंटीन पीरियड में भी रहना पड़ेगा, जिसके बाद फिर 2 दिन प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। बिहार में 3 जिले से नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 1,29,805 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर बिहार में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसके तहत सबसे ज्यादा पटना जिले से 4 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि भागलपुर और मुंगेर से 1-1 मरीज पाए गए। इस दौरान 4 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 37 हो गई है। तो वहीं रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है।
आईआईटी पटना के छात्रों को जापानी कंपनी देगी इंटर्नशिप का मौका। पटना के आईआईटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां के छात्रों को जापानी स्टार्टअप कंपनी इंटर्नशिप का मौका देने जारी है। इसे लेकर कंपनी के प्रतिनिधियों ने पटना आईआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत की है। इसके तहत टोक्यो में स्थित जापानी स्टार्टअप कंपनी के प्रतिनिधियों ने आईआईटी कैंपस का भी दौरा किया। आपको बताते चले कि यह कंपनी एनालिटिक्स के माध्यम से ऑनलाइन संचार में विशेषज्ञता वाला एक अनूठा स्टार्टअप है। इसके जरिए तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कई काम किए जाएंगे। यह छात्रों की विशेषताओं की खोज करेगा, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व को सुधारने में भी काम करेगा। इसके तहत इंटर्नशिप चयन की सभी भर्ती प्रक्रिया जैसे प्री प्लेसमेंट टॉक, ऑनलाइन मूल्यांकन और अंतिम साक्षात्कार, ये सारे कुछ वर्चुअल मोड में ही आयोजित किए जाएंगे। आठवीं पूजा के साथ ही जिलों में शुरू हुई दुर्गा पूजा मेला। नवरात्र के आठवें दिन आने के साथ ही पूजा पंडालों में माता के भक्तों की भीड़ आदमकद प्रतिमा को देखने के लिए लगने लगी और बिहार के सभी जिलों में दुर्गा पूजा मेले की रौनक दिखने लगी है। दूसरी तरफ अहले सुबह से ही कतार लगाकर श्रद्धालुगण मंदिर के बाहर खड़े दिखाई दिए। कई महिलाएं खोइचा भरने के लिए लंबी लाइन में खड़ी दिखी, तो वहीं घूमने वाले लोगों की भी भीड़ देखी गई। इस दौरान प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था भी की गई, जिस कारण से लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तो वहीं राजधानी पटना में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस सादे लिबास में पूरे शहर में तैनात है। इसके अलावा शहर के सभी पूजा पंडालों में पुलिस के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सूबे बिहार से मानसून की विदाई पूरी तरह से हो गई है और मानसून फिलहाल कोलकाता, महाराष्ट्र के औरंगाबाद और सिलवासा से होकर गुजर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में इन दिनों मौसम सामान्य है। वहीं 16 अक्टूबर के आसपास राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भाग के एक या फिर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होने व स्थानीय कारणों के कारण थोड़ी बहुत मौसम में बदलाव हो सकती है। तो वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पटना के साथ ही इसके आसपास के क्षेत्र व पूरे प्रदेश का मौसम सामान्य रहने की ही आसार है। वहीं बुधवार को पटना समेत इसके आसपास मौसम जो है वो बिल्कुल सामान्य रहने का पूर्वानुमान किया गया है। बिहार का रहने वाला प्लम्बर मिस्त्री रातों रात बना करोड़पति। आए दिन हम सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक में ड्रीम 11, एमपीएल सहित कई खेलों के नाम देखते रहते हैं, जिसमें रुपए जीतने की खबर भी मिलती रहती है। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले गेम ज्यादातर तो नुकसानदेह ही होते हैं, लेकिन किस्मत से कभी कभी कोई व्यक्ति जैकपॉट भी जीत जाता है। ऐसा ही वाकया कटिहार जिले के मनिहारी के एक छोटे से गांव में रहने वाले प्लम्बर मिस्त्री के साथ हुआ है, जिसका नाम बबलू मंडल है, जिसने ड्रीम 11 गेम में बनाई गई टीम के रैंक 1 लाने पर 1 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर जीते हैं। इनमें से 30 लाख रुपए टैक्स काटकर उन्हें 70 लाख बैंक के खाते में भेजे गए। वहीं इस राशि से गरीबी में गुजर बसर कर रहे बबलू मिस्त्री की जिंदगी भी रातों रात बदल गई, जिससे वे और उसके परिवार वाले बेहद खुश हो रहे हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एएनएम, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, शहरी स्वास्थ्य सहायक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने शहरी स्वास्थ्य लेखा सहायक और अन्य पदों के लिए आवेदन किया है, वे राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिहार की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org से SHSB प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की इस भर्ती के तहत 8,583 रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए 21 से 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ध्यान रहे, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी है। बिहार के अररिया की बेटी नेपाल सरकार में बनी मंत्री। बिहार के लोग सिर्फ अपने देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहराने से पीछे नहीं हटते। अब बिहार की बेटी ने नेपाल सरकार में मंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के मंत्रिमंडल विस्तार में अररिया के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के गोरराहा विशनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की रहने वाली रेणु यादव को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके तहत 12 कैबिनेट मंत्री में रेणु कुमारी यादव को यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है। आपको बताते चले कि रेणु यादव के मंत्री बनने से जहां नेपाल के तराई इलाकों में रहने वाले मधेशियों में खुशी है, तो वहीं सीमा पार भारतीय क्षेत्र के नरपतगंज में भी खुशी का माहौल है। बताते चले कि रेणु यादव का मायका बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के गोरहारा गांव में है, जबकि ससुराल नेपाल में है।
17 अक्टूबर को तेज प्रताप कुशेश्वर स्थान से अपने समर्थित उम्मीदवार की कर सकते हैं घोषणा। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को सिर्फ झटके पे झटके मिल रहे हैं। पहले तो महागठबंधन में आई दरार से राजद के सामने परेशानी खड़ी हुई, तो दूसरी तरफ उनके ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव के तेवर भी तल्ख दिख रहे हैं, जिससे न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि उनके पिता लालू यादव और माँ राबड़ी देवी भी चिंतित है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव 17 अक्टूबर को अपने समर्थित उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर सकते हैं। वे किशोरेश्वर स्थान सीट से अपने समर्थित कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। उनकी बात दो निर्दलीय उम्मीदवारों से भी चल रही है, जबकि इससे पहले उन्होंने तारापुर सीट से बिहार जस्टिस पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद जशीम को समर्थन दिया है। आपको बताते चले कि दोनों ही सीटों के लिए तेज प्रताप यादव चुनावी प्रचार भी करने वाले हैं। अपने दिवंगत पिता शहाबुद्दीन की इच्छा पूरी करेंगे ओसामा शहाब। राजद के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने अपने पिता की इच्छा को सोमवार को पूरा किया और आज वे अपने पिता की पसंद की हुई बहू यानी कि अपनी बेगम आशा को अपने घर लाने वाले हैं। आज वे अपनी बारात लेकर जीरादेई प्रखंड के चांदपाली जाने वाले हैं, जहां कई बड़े नेतागण भी शामिल रहेंगे। बताते चले कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने बेटे ओसामा शहाब की शादी अपने दोस्त मोहम्मद आफताब की पुत्री डॉक्टर आयशा के साथ बहुत पहले ही तय कर दी थी, लेकिन उनके निधन के बाद ओसामा ने इसी 11 अक्टूबर को अपनी शादी रचाई। ओसामा शहाब के होने वाले ससुर मोहम्मद आफताब आलम दुबई में एक बैंक मैनेजर हैं, तो वही उनकी बेटी डॉक्टर हैं। आयशा ने लखनऊ एएमयू से डॉक्टरी की पढ़ाई की है। धोनी ने फिर से दिखाई अपनी दरिया दिली। भारत ने आगामी T20 विश्व कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ इस स्क्वाड के मेंटर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। धोनी को T20 क्रिकेट का एक लंबा अनुभव है, इसलिए धोनी के रहने से टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में बड़ा फायदा होगा। वहीं टीम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से एक बार अपना बड़प्पन दिखाया है। दरअसल धोनी आगामी T20 वर्ल्ड कप में बतौर मेंटर अपना कार्य करने के लिए कोई फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं। इसकी जानकारी खुद BCCI सचिव जय शाह ने दी है। उन्होंने कहा कि MS धोनी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के मेंटोर के रूप में अपनी सेवाओं के लिए कोई मानदेय नहीं ले रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि टीम इंडिया के महान कप्तान धोनी दिलेर भी हैं और दरिया दिल भी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार अभी तक में बिहार सरकार की कौन सी योजना आपको सबसे ज्यादा कारगर लगी। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।